डिंडोरी में शराब माफिया सरेआम अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। प्रशासनिक अमला या तो इस सब में मूक दर्शक बना रहता है या शराब सिंडिकेट के सामने नतमस्तक नजर आता है। आदिवासी बहुल डिंडोरी अवैध शराब कारोबार करने वालों के लिए इतना मुफीद है कि माफिया के आगे प्रशासन या तो मूक दर्शक बन जाता है या फिर नतमस्तक नजर आता है। प्रतिबंध के बावजूद जिला मुख्यालय पर अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जिसका नज़ारा बस स्टैंड पर रोज देखने को मिल सकता है। शाम होती है, जाम से जाम छलकाने का दौर शुरू हो जाता है जो देर रात तक चलता है। शराब माफिया के गुर्गे बेरोक टोक दोपहिया वाहन से शराब की खेप हाट ठेलों और गुमटियों तक सप्लाई करते रहते हैं। प्रशासनिक तंत्र को इसकी जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर शराब तस्करी को अनदेखा कर रहा है। उल्लेखनीय विषय यह है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि नर्मदा तट के किनारे 5 किलोमीटर की परिधि में बसे शहरों में शराब बिक्री नहीं की जाएगी, और इसके बाद से शराब के ठेके बंद कर दिए गए थे। पर इस आदिवासी बहुल जिले में शिवराज सिंह के आदेशों पर अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, जिले में 5 शराब दुकानें संचालित हैं कंपोजिट स्वरूप में, जिसमें देसी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा उपलब्ध रहती है विक्रय हेतु। और इस संबंध में जो भी शासन के निर्देश रहते हैं, लाइसेंस नियमों का पालन कराया जाता है लाइसेंसी को, और लाइसेंस दुकान से ही मदिरा का विक्रय सुनिश्चित किया जाता है। हाँ, इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं जो अपने अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से मदिरा बिक रही थी, तो ऐसे में स्टाफ के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है और संबंधित के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, एवं उसमें विवेचना भी की जाती है कि मदिरा कहाँ से लाई जा रही है। जिले में जिला मुख्यालय में पूर्व में 2 मदिरा दुकानें संचालित थी, परंतु उनको शासन के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया है। और परंतु मुख्यालय में कई स्थानों पर अवैध शराब विक्रय की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिस पर समय समय पर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी तारतम्य में जो अप्रैल और मई में लगभग 109 प्रकरण पूरे जिले में पंजीबद्ध किए गए हैं, और उसमें देशी विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसका मूल्य लगभग 1,60,000 रुपए है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।